गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ्स एंड द चैप्टर इज लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हम लास्ट टाइम हाउ बिग इज माई हैंड यहाँ तक कर चुके थे। इसके आगे हम आज करेंगे, मेजर कर ली थी कल हमने लेंथ, विच इज लॉन्गर थंब और लिटिल फिंगर। ठीक है, अब आपको इसमें से लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, कौन लॉन्गर होगा, ये चेक करना था। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे दिख रहा है आपको, गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ योर गेस इज करेक्ट। यू कैन यूज अ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको गेस करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट को। ठीक है, और आप कैसे मेजर करोगे, विद हेल्प ऑफ स्केल, ओके, मेजरिंग टेप एंड स्ट्रिंग। अब नीचे देखिए, ये तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका थिंक, हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इफ यू मेजर विद अ रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड एक्सेट्रा। अब शू स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जूते की जो क्या होती है लेस, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, शू स्ट्रिंग। रोप क्या हो गई आपकी, रस्सी। थ्रेड क्या हो गया आपका, धागा। ओके, तो आंसर इज, सो आंसर इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर कैन बी नोन कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ अ रोप, शू स्ट्रिंग, थ्रेड एक्सेट्रा यूज्ड फॉर मेजरिंग विद द स्केल। ओके, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 51। यहाँ पे आपको दो टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आपको क्या करना है, मेजर करना है। एक वन लेफ्ट साइड आपकी क्या है, माय मेजरमेंट है, और राइट साइड आपकी माय फ्रेंड मेजरमेंट है। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, मेजर करनी है पहले नोज, सेकेंड आपका अराउंड द रेस्ट, रेस्ट को आपको मेजर करना है, थर्ड है आपको अराउंड द हेड, एंड फोर्थ वन है आपका ईयर, फिफ्थ वन है आपका हैंड टिप टू मिडिल फिंगर टू रेस्ट। ओके, जैसे मैं मेजर कर रही हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन लिख रही हूँ, आप भी अपनी कैलकुलेशन लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने नोज के लिए लिखा 3 सेंटीमीटर और मेरी फ्रेंड की जो है 2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद अराउंड द रिस्ट, अराउंड द रिस्ट में मैं लिख सकती हूँ 12 और मेरी फ्रेंड की है 11। ओके, ऐसी अराउंड द हेड मेरा है 36 और मेरी फ्रेंड का है 35। ओके, नेक्स्ट ईयर, मेरी ईयर है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, माय फ्रेंड ईयर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट लास्ट वन इज हैंड टिप टू टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट। यहाँ पे माय मेजरमेंट आ गया 12 सेंटीमीटर एंड माय फ्रेंड मेजरमेंट इज 11 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट नीचे देखिए, क्वेश्चन दिया आपको, कंपेयर यूअर मेजरमेंट विद यूअर फ्रेंड्स। ओके, हु हैज़ द बिगेस्ट हैट एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हैट। ओके, अब हमारी टेबल है जो
टेबल में हम चेक करेंगे। टेबल में चेक करने के बाद हम देखेंगे क्या पूछा है आपको, बिगेस्ट हैट किसका है। आप यहाँ पे लिखोगे, फर्स्ट में लिख सकते हो आप, जैसे मैं लिख रही हूँ मी एंड माय फ्रेंड शालू। ओके, आप भी किसी का भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज हु हैज द लॉन्गेस्ट हैंड फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रेस्ट। ओके, यहाँ पे आंसर इज मी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज विच इज लॉन्गर, यूअर ईयर और यूअर नोज। तो क्या बड़ी है हमारी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर ईयर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, इफ एनी ऑफ यूअर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो आंसर इज यस। ओके, एंड पेज नंबर 52, यहाँ पे आपको गिबली एंड द ग्रीन्स, आपको यहाँ पे एक गिबली दिखाई दे रही है। गिबली क्या, गिबली किसका नाम है यहाँ पे, गिबली यहाँ पे हमें आंट का नाम रखा है। आंट गिबली हैज टू रीच द ग्रीन्स, शी इज लुकिंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। अब जो गिबली है, गिबली को क्या करना है, आंट गिबली को ग्रीन्स तक पहुंचना है। ठीक है, वो देख रही है, आप वो देख रही है कि उसके लिए शॉर्टेस्ट रोड कौन सी होगी। ठीक है, अब आपको शॉर्टेस्ट रोड बतानी है। ठीक है, तो हम अभी शॉर्टेस्ट रोड देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है हमारा रोड ए, रोड ए में से यहाँ से टर्न होना पड़ेगा, फिर यहाँ से भी टर्न होना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। इसके बाद सेकंड रोड सी में भी उसे यहाँ से टर्न होना होगा, फिर स्ट्रेट, फिर टर्न होना होगा, ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद रोड डी भी लॉन्ग हो जाएगी, देखिए। इसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, अब रोड बी इज राइट आंसर। इसमें हमें जल्दी हम ग्रीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गिबली के लिए कौन सा रूट शॉर्टेस्ट है, तो राइट आंसर इज रूट बी इज शॉर्टेस्ट रोड। ओके, नेक्स्ट नीचे देखिए, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। अब नीचे आपको क्या करना है, एक कैन यू ड्रॉ, आप वो कह रहा है आपसे कि आप ड्रॉ कर सकते हो शॉर्टेस्ट रूट, किसके लिए, गिबली के लिए। किसके लिए बात हो रही है अभी यहाँ पे, गिबली के लिए। गिबली कौन है, गिबली आंट है, जो कहाँ तक जाना चाहती है, ग्रेन्स तक। ठीक है, आगे आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ द दैट रोड, आपको लेंथ भी बतानी है रोड की। ओके, देखिए अभी हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम डॉटेड लाइन बना सकते हैं, देखो ये इजी हुई, इसे हम मिला लेंगे। अब जो हमारी स्केल है, इससे हम इसे मेज़र कर लेंगे। ठीक है, आपने स्केल, आपके पास स्केल होगा छोटा वाला, उससे आप क्या कर लोगे इसे मेज़र। तो मैंने मेज़र किया है, तो इसका आंसर मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, यस आई कैन ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दीज आर स्ट्रेट रोड,
from arm to greens will be shorter than these road and its length will be 11.5 सेंटीमीटर। मेरे पास जो बुक है मैंने उसमें ड्रॉ की है, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हो रही है मेरे में, 11.5 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन मेजर द लेंथ एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। अब आपके पास यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, एक तो आपके पास शॉपकीपर है, दूसरा एक बॉय है और थर्ड वन इज गर्ल। ओके, अब जो शॉपकीपर है, बॉय जाता है, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, वो कहता है आप मुझे एक लंबा सा कुर्ता बना दीजिए। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, आपके कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो गर्ल है वो जाएगी, एंड हाउ मैनी मीटर्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। अब वो कहती है मेरी स्कर्ट के लिए मुझे कपड़ा दे दीजिए, कितना कपड़ा लगेगा। तो जो शॉपकीपर है वो बता रहा है यू नीड 3 मीटर्स, वो कह रहा है आपके लिए 3 मीटर्स कपड़ा यूज होगा। ठीक है, लेट अस मेक अ मीटर रोप, यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद अ मीटर रॉड। अब आपने देखा भी होगा एक मीटर रॉड होती है उसके पास, लंबी सी एक छड़ी सी होती है, स्टिक सी होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी। यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप। अब क्या है वो क्या करता है उसे, वो उसे मेजर करने के लिए यूज करता है। ठीक है, मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप, कीप द मीटर रॉड विद द रोप, मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नॉट देयर, नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नॉट इज 1 मीटर, दिस इज योर मीटर रोप। इफ यू डोंट गेट अ मीटर रॉड यूज अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप, 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू अ 1 मीटर, सो यू गेट द मीटर रोप। अब आपको पता भी है, मैंने आपको मेजरमेंट जो आपको दिया भी था, एक चार्ट मैंने बनवाया भी था आपको, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, सबको आगे समझ में, यहाँ तक आपका पेज नंबर 55 तक, 53 तक एक्सरसाइज हो गई आपकी। इसके बाद है गेस एंड चेक। ओके, गेस एंड चेक, इसमें भी आपका कुछ नहीं है, लेकिन हम एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। एक्टिविटी नंबर 1, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग, फाइंड समथिंग दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं पता करनी है आपको। यूज योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। आपको मीटर रोप लेनी है और फाइंड आउट करना है कौन आपकी मोर देन हो रही है, लेस देन हो रही है 1 मीटर से। ठीक है, नीचे आपको क्या दिए गए हैं, कुछ नेम ऑफ द थिंग्स दी गई हैं और एक वन साइड आपको क्या किया गया है, मोर देन 1 मीटर दिया गया है और एक साइड आपको लेस देन 1 मीटर दिया गया है। लेफ्ट साइड देख रहे होंगे आप मोर देन 1 मीटर और राइट साइड आपका लेस देन 1 मीटर दिया गया है। इसमें आपका पहला लेंथ ऑफ टेबल, टेबल की आपकी मीटर में ही होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें आंसर विड्थ ऑफ टेबल। ये सब एक्सरसाइज आप लोग खुद करोगे, ये आपको एक्सरसाइज स्कूल में नहीं कराई जाएंगी और ना ही आप ये कॉपी में नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइज समझा रही हूँ कि क्या है इसमें विड्थ ऑफ
टेबल, आप टेबल की विड्थ को भी पता करोगे। इसके बाद विड्थ ऑफ डोर, डोर की विड्थ को भी पता करोगे। इसके बाद लेंथ ऑफ डोर, लेंथ की जो डोर की लेंथ है वो भी आप पता करोगे, ठीक है। वो भी आप मीटर में या सेंटीमीटर में करना है, या मोर देन है या लेस देन है, या आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी नंबर टू है, सम क्लास थर्ड चिल्ड्रन हैव मार्क्ड अ 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। अब आप क्या करना है, थर्ड क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोग हो जो थर्ड क्लास के बच्चे, वो क्या करेंगे, 1 मीटर हाइट का क्या करेंगे, वॉल पे मार्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल, आपको यही कह रहा है वो। नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, इसी के साथ आपको फ्रेंड की हाइट के साथ भी एक चार्ट बनाना है, ठीक है। टू मेजर द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल, अब आपको इसके लिए स्मॉल स्केल में यूज करनी होगी, ठीक है। जैसे नेम लिख लिया आपने, यहाँ पे कोई भी लिख सकता है, ठीक है, और टॉलर है, शॉर्टर है, इक्वल है, ये सब आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स भी लिखने हैं, कितने सेंटीमीटर्स है, ठीक है। नीचे आपकी याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। इसके बाद है लेट मी सी इफ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर, ठीक है। लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है। इफ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर, मैं लंबा हूँ किससे, 1 मीटर से। इसके बाद है सेंटीमीटर, अब जो आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए सेंटीमीटर्स और मीटर्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए आप, विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विच विल बी इन मीटर्स, आपको क्या करना है यहाँ पे, सेंटीमीटर्स में कौन सी चीज़ होगी और मीटर्स में कौन सी चीज़ होगी, ये लिखना है उसके आगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, इसमें आप लिखोगे विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, आगे आएगा विड्थ ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो कर सकते हो। इसके बाद लेंथ ऑफ पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स, आपने सिख को देखा होगा, मतलब पंजाबी को देखा होगा आपने, जो पंजाबी होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी आपको किस में मेज़र करोगे, वो बहुत लेंथी होती है, बड़ी होती है, तो आप देखोगे उससे तो वो मीटर में होगी, ठीक है। इसके बाद हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसको आप किस में मेज़र करोगे, सेंटीमीटर में, गुड। इसके बाद है लेंथ ऑफ बनाना, लेंथ ऑफ बनाना को भी आप किस में कर सकते हो, सेंटीमीटर पे। इसके बाद वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, इसको भी आप किस में कर सकते हो, मीटर, ओके। इसके बाद हाइट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन की हाइट को आप किस में कर सकते हो, मीटर। इसके बाद डेप्थ ऑफ वेल, आपने वेल दिखा है, कुआं देखा है, कुएं को आप मेजर किस में कर सकते हो, आपको उसकी डेप्थ जब चेक करनी है तो आप किस में चेक करोगे, मीटर, ओके। इसके बाद हाइट ऑफ योर मदर, मदर की जो हाइट होगी वो किस में चेक करोगे आप, तो वो आप करोगे, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, ये किस में चेक करोगे आप, मीटर। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, ठीक है, ये आप किस में कर सकते हो, सेंटीमीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी स्टोरी है ट्रिप टू आगरा,
ओके, ट्रिप टू आगरा। अब आपके इसमें दो कैरेक्टर हैं, देखिए क्या है वो, मैरिंग एंड बीचिंग्स आर गोइंग विथ देयर फैमिली टू आगरा। अब मैरी है जो और बीचिंग है वो अपनी फैमिली के साथ आगरा गए हैं, ठीक है। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट। अब क्या हुआ है, वो आगरा कैंट पे रुके रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल। अब वो क्या, उन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन पे जब वो रुके थे तो ताजमहल जाने के लिए रिक्शे का वेट कर रहे थे या रिक्शा ले रहे थे। आफ्टर 3 आवर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट अगेन इन रिक्शा। आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे बाद दे स्टार्ट, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया चलना टू आगरा फोर्ट अगेन इन रिक्शा, किसमें, रिक्शे में। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी। फिर उन्होंने आफ्टरनून मतलब दिन को उन्होंने क्या करा, बस को लिया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी आने के लिए। अब देखिए नीचे आपको मैप दिया गया है, मैप ऑफ आगरा, इसमें आपका नीचे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिया है, नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेस फॉर किलोमीटर्स, वी राइट किलोमीटर्स। इसमें आपको किलोमीटर्स में दिए गए हैं, चेक कीजिए, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल कितना दिया है आपको, 5 किलोमीटर, आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन आपका 5 किलोमीटर है। इसके बाद ताजमहल टू आगरा फोर्ट, देखिए आपको अभी चेक करवाते हैं, आगरा कैंट पहले क्या है, आगरा कैंट टू रेलवे स्टेशन टू ताजमहल कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है ताजमहल टू आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट कितना है, ताजमहल ये है और आगरा फोर्ट ये है, ये कितने सेंटीमीटर है, 2 किलोमीटर, ओके। इसके बाद सॉरी ये किलोमीटर था, इसके बाद आपका नेक्स्ट है आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट कहाँ है आपका, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी कितना है आपका, 40 किलोमीटर, ओके। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब आपको मैप में बताना है, देखिए विच इज फादर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। तो जो फादर है, आंसर इज फतेहपुर सीकरी इज फादर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नियरर टू द रेलवे लाइन्स। अब रेलवे लाइन्स के नियर पे क्या क्या है, देखिए बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। अब ये पूछ रहा है आपका बाबरपुर फॉरेस्ट है या ताज फॉरेस्ट है, तो आपका आंसर है बाबरपुर फॉरेस्ट इज नियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, आगरा फोर्ट और ताजमहल। अब
नियरेस्ट कौन है, तो आपका है नियरेस्ट कौन सा है, आगरा फोर्ट इज नियरेस्ट. विच इज क्लोजर टू द रिवर यमुना, यमुना के पास में कौन है. देखिए ताजमहल और द रेलवे स्टेशन, तो देखिए रिवर यमुना के पास में रेलवे स्टेशन आपका इतनी दूर पे है, चेक कीजिए. ताजमहल आपके पास में ही है, ठीक है. तो राइट आंसर इज ताजमहल. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. ओके थैंक यू क्लास.